तो स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये मुझे सवाल होता है कि क्या पीरियड्स में ध्यान साधना, मंत्रा जाप, पाठ पूजा या मंदिर में जाना चाहिए या नहीं। तो आज का ये विषय इसी टॉपिक पर मैं लेकर आई हूँ। मासिक धर्म ये साफ सफाई की बातें होती है, इससे कोई स्त्री अपवित्र नहीं होती है। ये एक नैसर्गिक प्राकृतिक प्रोसेस होती है, क्योंकि जो प्रक्रिया ही नैसर्गिक होती है, जो प्रक्रिया ही नवजीवन के उत्पन्न के लिए प्रकृति ने खुद बनाई है, उसमें क्या अपवित्रता हो सकती है। जब आपकी आत्मा में, आपके मन में दोष होते हैं तो आपको मंदिर जाना चाहिए, जब शरीर में दोष होते हैं तो अस्पताल। ध्यान साधना, पूजा अर्चा, पाठ पूजा विधि, ये सब हमारी आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। मंदिरों के लिए, पूजा पाठ के लिए, जप तप के लिए, ध्यान साधना के लिए आपकी आत्मा का शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म का संबंध आपकी आत्मा से है, आपके शरीर से नहीं। इसलिए आप पीरियड्स में ध्यान साधना, जप तप, पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हो, परंतु ऐसा है कि जब कोई बात हमारे लिए मूल्यवान होती है तो हम इतना तो ज़रूर करते हैं कि हम अपनी शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो बस हमें इतना ही करना होता है कि हम अपने शरीर को साफ सुथरा रख के काम करें। बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप मासिक धर्म में अपवित्र होते हो तो आपको ध्यान साधना नहीं करनी चाहिए, पूजा अर्चा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि पीरियड्स आने के बाद तो आप एक बार नहीं 10 बार ईश्वर का नाम स्मरण करते हो कि हाय रे ईश्वर, दर्द हो रहा है, हाय रे ईश्वर, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और अपना दर्द ईश्वर को बताने के लिए आप कितनी बार ना जाने उनका नाम स्मरण करते रहते हो कि डिवाइन को याद करते रहते हो, इतना दर्द क्यों हो रहा है, हाय रे भगवान, इतना दर्द क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। ईश्वर का नाम तो आप पीरियड्स में ही ज़्यादा लेते हो, तो इसमें आप खुद बताइए कि क्या अपवित्रता हो सकती है। पवित्रता का संबंध आपकी आत्मा से है, आपकी मन से है, आपके शरीर से नहीं। जब आपकी आत्मा मलिन हो जाती है तो आपको कभी भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, तब तो आपको भगवान का नाम भी स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब आपकी आत्मा मलिन होती है। तो ऐसे मलिन आत्मा के साथ जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो अपवित्रता होती है, क्योंकि जब आत्मा ही मलिन हो तो बाहर से ध्यान साधना और पूजा अर्चा करने का कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए आपकी आत्मा की शुद्धता ही पवित्रता होती है, इसलिए शरीर का यहाँ पर कोई संबंध नहीं आता है। पवित्रता आपकी आत्मा का संबंध है, पवित्रता हमारे मन का संबंध है, हमारे शरीर का नहीं है। इसलिए ध्यान साधना, पूजा अर्चा, पाठ विधि आप सब कर सकते हो। बस इतना ख्याल रखें कि अगर आप साफ सुथरे नहीं होते हो तो उस चीज़ को करने का आपका मन नहीं होता है कि आप अपने शरीर की भी शुद्धता रखें, तो आपको और भी अच्छा फील होने लगता है। तो बस इसका इतना ही मूल्य है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी, लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।